हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। ये लाइट एंड डोरेमोन देख रहे हैं, ये वंशिका अपनी वीडियो खुद बना रही है आप लोगों को दिखाने के लिए। बार बार मुझसे फ़ोन ले रही थी, मम्मी मुझे दे दो, मुझे दिखाना है, सबको दिखाना है। तब मैंने नहीं दिया उसको, पर पता नहीं कब लेके चली गई। फिर मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो बोल रही मम्मी डाल देना डाल देना, तो मैंने उनको डाल दिया है। आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, वो देखती हैं, कमेंट पढ़ती भी हैं। तो बस नहा के आ गई थी, नहाने का मन नहीं था, सोचा था एक दिन छोड़ दूँ, पर बिना नहाए नहीं रह जाता, अजीब सा लगता है। तो बस नहा धो के थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगाया है बस, और जा रही हूँ किचन में काम करूँगी जाके। और बस थोड़ा सा ये सीरम वीरम सा, कभी मैं ना कोई स्किन केयर वगैरह नहीं करती हूँ, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। और आप लोगों को वीडियो में तो पता चल ही जाता है, कुछ नहीं करना है। कभी करना है तो अच्छे से कर लेना है, जैसे अभी आपने कल का वीडियो देखा, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि ऐसे ही होती है हाउसवाइफ की, एक वो नहीं है कि हाँ करना ही करना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसी भगवान ने शक्ल सूरत दी है वैसी ही रहेगी। हाँ थोड़ा सा मेकअप वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कलर साफ़ दिखता है, गोरे दिखते हैं, और कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे आ गए, मैं कपड़े धो के रखा आई हूँ, पर मैंने कपड़े सुखाए नहीं हैं, अब कपड़े सुखाऊंगी। अभी पानी झट जाए, पानी झट जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो पूरे में फैल जाते हैं। और हमारे नीचे है ना, देखो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे मुझे टाइम याद नहीं है, ब्रेड देने के लिए आते, इतने बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े। इस उम्र में काम करना नहीं चाहिए, मतलब आराम करना चाहिए, और इस उम्र में वो काम कर रहे हैं। पता नहीं कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो इस जन्म में ये सब देखना पड़ रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है। मैं किसी दिन वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी जब आपको पता चलेगा। उम्मीद होती है ना, वो बच्चे पता नहीं क्यों कैसे भेज देते हैं, दुकान वगैरह पे बिठा दे तो ठीक भी है। और देखिए मैं आज ना दोपहर से थोड़ी बहुत मैंने दोपहर में स्टार्ट की थी, फिर मैंने रात को ही कैमरा उठाया है और अब भी वंशिका दिखा रही हैं। तो वही है आजकल ना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, चाहे बच्चे हुए चाहे हर, मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई एक जैसा होता है, सब अलग अलग होते, पर मुझे उनको देख के बड़ा अजीब सा लगता है। साइकिल पे ब्रेड पीछे रखे, और पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं है। मैंने एक दो बार और भी बताया है आपको, तो आपको ध्यान हो, वो आते हैं ना तो एकदम अब सामने आ ही जाते हैं। अब जैसा किया उसका भरोसा, देखिए कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, कुछ भी होता है, हम लोग बोलते पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो अब झेलना पड़ रहा है। तो शायद हम लोगों ने जो भी हमारे साथ, हम बूढ़े हों तो हमारे साथ भी शायद हमारे बच्चे हमारी केयर ना करें, क्योंकि हमने अपने बड़ों की केयर नहीं की है। तो यही सब चलता रहता है आजकल ना, अब तुरंत वो क्या कहते हैं, कल का इंतज़ार नहीं करते, तुरंत उसका फल मिल जाता है, जैसी करते वैसा ही भरना भी पड़ता है। और कभी कभी हम अपने बड़ों की बहुत सेवा करते, बहुत अच्छे से रखते हैं, पर हमारे बच्चे नहीं रखते, तो दोनों बात अलग अलग हैं। किसी को अच्छे लोग होते हैं पर तब भी उनको अच्छे नहीं मिलते हैं, और जो ख़राब लोग होते हैं उनको अच्छे मिल जाते हैं। नसीब का और उसका कोई कुछ नहीं पता है। तो बस यही था, थोड़ा सा बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा करें ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर देखिए उनके घर में पता नहीं कैसा क्या है, मुझे नहीं पता, पर थोड़ी ये है कि बच्चों को इस उम्र में काम कराएं माँ बाप, अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब फिर मैंने इनसे भी कहा था, यहाँ पे देखिए मैंने आटे को खोल दिया है, आटे की पैकेट आटा लेके आए थे, और इसमें अब इस बार मैंने इसको धोया नहीं है, सिर्फ ऊपर से पोंछ दिया है, और बस इसको रख दूँगी। और आप लोग कमेंट आते हैं, मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ, सामान गिर पड़ जाता है, तो सामान इसलिए गिर पड़ जाता है क्योंकि स्लिप बहुत ऊंची है, इसलिए गिर जाता है। और काम तो जल्दी नहीं करती हूँ, वीडियो को स्पीड दे देती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर नेट भी लगेगा, फिर आप लोग इतना बड़ा देखते भी नहीं हूँ, तो उस वीडियो को मैं स्पीड दे देती हूँ, इसलिए आप लोगों को लगता है मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। जैसे आप लोग काम करते हो वैसे ही मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं घिया चने की दाल बना रही हूँ, काट ली थी लहसुन प्याज सब कर लिया, इसको धोना है बस। और थोड़े से चावल बनाऊँगी, चने की दाल मैंने भिगो दी है, अभी यही सब्जियाँ हैं और कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने बोला यही बना लेती हूँ।
तेल डाल दिया, हींग जीरे तेज पत्ता वगैरह से इन सबको तड़का दे दूँगी, ये बनती रहेगी तब तक मैं अपने चावल कर लूँगी। मैं ये है ना, देखिए मेरा दिमाग है ना कभी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अकेली बैठती हूँ तो दिमाग चलने लग जाता है, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ ही यही होता है, पर होता है देखिए सोचना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुर्ती ऊंची हो गई ना हो जाता है क्योंकि बहुत ऊंची स्लिप है इसलिए ये सब हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं चावल निकाल रही हूँ, ये खीर वाले इसी में खीर वाले चावल भी हैं, और ना सूखी मिर्ची से, हरी मिर्ची से और तेज पत्ते से छौंकूँगी मैं इसको, अच्छी लगती है कभी कभी ये सादा सिंपल सा, दाल चावल के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। दाल को मैंने भिगो दिया था पहले से, ये देखिए तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, धसा पूरे रसोई में ना धस धस खांसी जैसा वो हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरा, हींग जीरा डाल दिया है, और इसमें अपनी जो लौकी है वो मैंने धो ली, उसको काट दिया, आधी लौकी है आधी। और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाने बजते हैं, वीडियो एडिट करने में बहुत तो वो लगता है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, और चैनल के लिए भी डर लगता है। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाने वगैरह चलते हैं, तो अभी मुझे वीडियो रोकनी पड़ी, ये अंदर आ गए थे, मैं बोरी गेट बंद कर दूँ, गेट बंद करके तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह गाने चला देते हैं थोड़ा सा, ये है ना क्योंकि सुबह सुबह ही मैं वीडियो एडिट करती हूँ, पहले मैं रात में करके रख लेती थी पर अभी नहीं हो पाता है, अभी दिन सुबह उठती हूँ सुबह ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरी लाल मिर्ची पिसी हुई कम डालूँगी क्योंकि मैं सूखी मिर्ची डाली, हरी मिर्ची डाली है और लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा कम डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे टमाटर डाल दिए क्योंकि कुकर में तो सब हलवा बन जाना है, और मैं ना ये सब ना मतलब इसी में बनाती हूँ, कुकर में ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले कर दिए, मसाले मेरे ज़्यादातर ख़त्म हो रहे हैं, और कई दिन से कह रही हूँ क्योंकि मसाले वाले कोई आ नहीं रहे तो इसीलिए मैं मसाले ख़रीद नहीं पा रही हूँ। पर अब मैं मुझे लग रहा है रोड पे ही जाना पड़ेगा, रोड पे तो परमानेंट लगे रहते हैं पर अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब आते नहीं है, नहीं पहले यहाँ पे आ जाते थे गली में, आप लोगों को एक दो बार दिखाया भी है मैंने पर अभी यहाँ नहीं आ पा रहे, पर देख रहे नहीं होगा तो रोड से ही सारे सामान मंगाऊंगी, नीचे उतर के ले लो, दूर ना जाना पड़े तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे देखिए मेरा कितना अच्छे से ये मिल गई है, और 9 दिन बाद खाना खाया परसों हाँ, तो पूरे दिन नींद आती रही, ना कुछ काम करने का मन करता है ना कुछ, बस सोते रहो। देखिए 9 दिन में ऐसा नहीं कुछ नहीं खाया, पर देखिए अन्न होता है अन्न ही होता है, चाहे आप फल ये आलू खा लो, आपने देखा है ज़्यादातर मैंने आलू और चीले ही रात को बनाए, पूरे दिन तो चाय से ही रहती हूँ, और जब मैं सोमवार शुक्रवार का व्रत करती हूँ तब भी मैं चाय वगैरह से ही रहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे ये कहना है कि व्रत रहो ना तो मन से रहो, ऐसे पूरे दिन खाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए पूरे दिन नींद आती रही, और वो मतलब क्या कहते हैं ऐसे लगता रहा बस सोते रहो और कुछ भी काम ना करो। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी लिए, ये खीर वाले बहुत छोटे छोटे से चावल है, बहुत टुकड़ी वाले, वनस्पति की चूर होती है ना वो है, तो इनको धो के बस उबलने के लिए रख दूँगी, और थोड़ी सी बस रोटी बना के और इनको रख देना, बर्तन सेट कर दे रही हूँ। पानी आ गया था, पानी क्या आया था मतलब मोटर चलाई थी तो सारा पानी भर के रखना था, भर के रख लेते हैं तो दिन में दिक्कत नहीं होती है बर्तन वगैरह धोने की, नहीं तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारे बर्तन में भर रही हूँ मैं, और ना ये ना मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, इससे खाना बनाती हूँ और बर्तन वगैरह नहाना धोना होता है, पीने के लिए पानी आता है, ये खारा पानी है, इससे आटा गूंदना और ना अच्छा नहीं होता, मयूर जग ना एकदम पीला पीला सा हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा पानी नहीं है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे तो नहीं होता था, यहाँ पे तो मतलब ये ज़मीन का पानी है, बर्तन को भी ना एकदम गंदा कर देता है,
पर भैया भरना है खाना, अगर पीने वाले पानी से ही खाना पीना बनाएंगे तो बहुत सारा पानी लग जाएगा, तो इसलिए ये सारे बर्तनों के लिए सारे भगोना कटडोंगा ये सब भर के रख ली हूँ, क्योंकि बर्तनों के धोने काम आ जाएगा, सब्जी धोने काम आ जाएगा। और मयूर जग कर रही हूँ, जो ये ख़त्म हो जाता है तो मयूर जग में से सब्जी बनाना, चावल आटा गूंदना, चाय मतलब दूध फटता नहीं है पर ना चाय फटती, मतलब ये हो जाता है, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े सुखाए, ये सुबह हो गई थी, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे पर सुखाए नहीं थे, तो यहाँ पे बारिश हो गई थी। मौसम देखिए कितना सुंदर, मतलब कितनी सुंदर वीडियो आ रही, कितनी अच्छी से वो आ रही, क्योंकि बारिश हुई थी। और ये मैंने कल कुर्ता पहना था, आप लोगों को ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा था, और था भी अच्छा, मतलब कंफर्टेबल लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि नई चीज़ पहनी है, यहाँ से टाइट हो यहाँ से चुभ रहा हो, नहीं अच्छा लग रहा। ढेर सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि नवरात्रे में तो मैं मतलब एक दो करके ही धो रही थी, क्योंकि पूजा ही इतनी, पूजे में देखिए बहुत टाइम लग जाता है, तो 9 दिन बच्चे दो दो तो थोड़ा सा वो हो गया था, और फिर वीडियो का डबल डबल काम, तो मतलब ऐसे आंखें ही नहीं खुल रही थी, ऐसे लग रहा बस सोए जाओ। और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द, तो इस वजह से मेरा इतना सारे कपड़े हो गए हैं। कोई नहीं, अब भी मतलब जो लोग वॉशिंग मशीन में धोते हैं उन लोगों के तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ धोते हैं, पर मेरे ये 2 या 3 दिन के ही कपड़े हैं। और सोनावंशिका को 1 दिन 2 दिन नहलाया नहीं था, छोड़ के नहलाया था, क्योंकि मौसम वैसा हो रहा था ना, चेंज हो रहा है, तो भैया डर लगता है, नहाना धोना तो रह जाए। और आप लोग कमेंट भी करते हो दीदी नहाना थोड़ा सा छोड़ दिया करो, बच्चों को छोड़ देती हूँ मैं, पर मैं खुद नहीं नहाना छोड़ सकती। तो यहाँ पे देखिए बस सब्जी बन गई है, सब्जी को खोल के वो कपड़े वपड़े सुखा दिए थे, फिर सब्जी को खोल के और बर्तन में निकाल लेना है, और मुझे उसमें चावल बनने के लिए रख दूँगी, अभी धोए नहीं है वो, देखिए देख सकते हैं। यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी तो सोना वंशिका इसके पापा ये सब खाएंगे, वंशिका थोड़े से चावल भी ले लेती है पर सोना नहीं लेती है। वंशिका के लिए मैंने रोटी बनाई थी पर उनको चावल मेरी तरह पसंद है, वो मेरे जैसे खा लेती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट देखिए कितनी बढ़िया रोटी निकल रही, बढ़िया रोटी निकल के आ रही है। आटा गूंद के थोड़ी देर मैंने रख दिया था, और जब 5-6 रोटी का ही आटा गूंदा था, तो देखिए सब्जी हमारी बन के हो गई है तैयार। और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे ऊपर, इससे ना थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है घी या चने की दाल में, ये सब मैं करती हूँ। तो चावल बनने के लिए देखिए कुकर में धो दिए, रख दूँगी, और मुझे रोटियाँ तो थोड़ी सी चाहिए होती है, वंशी का कच्चे चावल मांग रही थी, मैंने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं देनी है। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, और बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं हुई है। उस वाले कमरे में सब लोग हैं, बस वीडियो का मैंने बोला एंड कर दूँ, एडिट करूँगी वीडियो। और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, कितने कम है मेरे फॉलोअर, सबके कितने ज़्यादा ज़्यादा, जल्दी जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थोड़ी सी मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभार रील्स डालती हूँ, रोज़ नहीं डालती हूँ, 3 दिन में 4 दिन में ऐसे मैं रील्स डालती हूँ, तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति राघव 126, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको मिल जाएगी। आप लोग पूछते भी रहते हो कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो प्रीति राघव 126, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक करिएगा। वैसे मैंने कम्युनिटी पे भी कई बार डाली है पर आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो, सिर्फ 800 है, 800 भी नहीं है शायद, 700 है, कितने 800 ही है, 840 है शायद, 840 है मुझे याद है। तो बस बारिश हुई है और चाय पिए हमने, थोड़ी देर सो गई थी, आंखों से पता ही चल रहा है, टाइम भी दिख रहा है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और जल्दी जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बताइए जल्दी से, इतने सारे लोग हो आप लोग, तो जल्दी जल्दी से करोगे तो हो जाएगा मेरा। आप लोग जल्दी जल्दी से लिंक पे टच करिए और इंस्टाग्राम पे मिलिए। सोच रही हूँ वहाँ पे कभी लाइव आऊँगी पर टाइम नहीं मिल पाता, 2-2 बच्चे हैं, फिर इतना सारा काम हो जाता है, यहाँ पे ही नहीं हो पाता है। तो चलिए सोना को, अभी मुझे सर्दी जुकाम हुआ तो सोना को, वंशिका को, सभी को खांसी जुकाम हो रखा है। और करवा चौथ कब की है मैं सोच रही हूँ, मुझे भी तो जुकाम हो रखा है तो ना करवा चौथ की थाली लेके आऊँगी, करवा चौथ की थाली। हाँ ब्लाउज भी मैंने अभी नहीं डाला सिलने के लिए,
ये बोलते हैं रहने दे अब मंसूला कितना खर्चा करती है ये वो ऐसे बोल देते हैं, और कल पैसे निकाले थे और वापस ले भी लिए तो वापस मेला नहीं करके आई ऊपर मतलब वो ही लिया उसका ही मेला करा दिया उसको क्यों और भी लेके गए अंदर से और बोले 200-300 रुपये से 500 रुपये घर लेके आई ऊपर देख लिया ऐसे 300 रुपये तो बोले थे कि ठीक है अपना वो ब्लाउज लाना फिर से ले लिए पर ठीक है अभी मैं ब्लाउज आज डलवाऊँगी वंशिका से आज संडे है और 2 ब्लाउज सिलवाने आप लोगों ने कमेंट किए एक वो साड़ी का एक मैं अपनी पसंद की साड़ी का सिलाऊंगी क्योंकि मेरे पास ब्लाउज मैंने 1-2 ही साड़ी की सिलाई जो कि कल के वीडियो में देखे थे अभी के में नहीं है और करवा चौथ की थाली मुझे का वीडियो डालना क्योंकि मैं पिछली साल डाली थी मुझे अच्छा लगता है डालना तो उसके लिए सारा सामान लेके आना है क्या क्या लाना है क्या क्या नहीं लाना वैसे मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत ला के रखा है जो जो मतलब करवा चौथ में मेकअप करते हैं वो हूँ तो देखती हूँ कब डालूँ कब नहीं डालूँ वैसे टाइम बहुत कम बचा है और हो जाएगा करूँगी थोड़ा सा मेहनत पड़ रहा है अभी थोड़ा सा वैसे प्रमोशन वीडियो वगैरह का है ना पर अब नहीं है बस एक वीडियो लास्ट है फिर नहीं है कोई भी अभी मजबूरी है तो कर दी है अब नहीं है ख़त्म बस फिनिश तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब जा रही कुछ बढ़िया सा बना के आप लोगों को दिखाऊँ काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ अच्छा सा नहीं बनाया तो अब अगले ब्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ठीक है